विधानसभा चुनाव की आचार संहिता अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह तक लगने की संभावना है। इसे पूर्व सभी मंत्रियों, दर्जा प्राप्त मंत्रियों और गणमान्य लोगों की यात्राओं और दौरों के बारे में कैबिनेट सचिवालय ने निर्देश जारी कर दिए। इसमें आचार संहिता लगते ही क्या नहीं किया जाना है, इसको लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। निर्वाचन विभाग की तरफ से विधानसभा चुनाव की पूर्व तैयारियों के रूप में कैबिनेट सचिवालय ने मंत्रियों, दर्जा प्राप्त मंत्रियों और गणमान्यों के लिए निर्देश जारी किए। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार जारी इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि आचार संहिता लगने के साथ किन किन बिंदुओं की पालना करनी होगी। निर्देशों के अनुसार विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही कोई भी मंत्री किसी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय दौरा नहीं कर सकेगा। यदि लोक हित में मंत्री द्वारा ऐसा राजकीय दौरा करना जरूरी हो तो भारत सरकार के विभाग या मंत्रालय की तरफ से मुख्य सचिव को पत्र भेजा जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित मंत्री क्षेत्र में कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं कर रहा। ऐसे मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सलाह पर मुख्य सचिव तमाम व्यवस्थाओं पर निगाह रखेंगे। सामान्यतः जिस निर्वाचन क्षेत्र से मंत्री प्रत्याशी मंत्री हो तो वहाँ दौरा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे दौरे को राजकीय के बजाय निजी रखा जा सकता है। राजकीय दौरा राजनीतिक या निजी दौरे के साथ जोड़ा नहीं जाना चाहिए। आचार संहिता लागू होने के साथ ही संबंधित मंत्री, दर्जा प्राप्त मंत्री या गणमान्य को तुरंत अपना राजकीय वाहन छोड़ना होगा। केंद्रीय या राज्य के मंत्री के चुनाव संबंधी दौरे पर होने पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित जिले में अगवानी या रिसीव करने या विदाई के लिए जिला प्रशासन या सरकार के कोई भी अधिकारी नहीं जाएंगे। मंत्री को किसी अधिकारी की तरफ से प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। हालांकि ऐसे क्षेत्र या जिले में पीएम के चुनावी दौरे में डीजीपी, सभी रैंकों के पुलिस अधिकारी और जिला कलेक्टर को सुरक्षा संबंधी इंतजाम कराने की मंजूरी है। मंत्री संबंधी क्षेत्र के किसी भी चुनाव से जुड़े अधिकारी को उसके ऑफिस, गेस्ट हाउस या अन्य जगहों पर बुला नहीं सकेगा। हालांकि प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था बिगड़ने या कोई इमरजेंसी में राहत और अन्य कामों के लिए छूट दी जा सकती है। वही राज्यों के मुख्यमंत्री का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना और इसके जरिए अधिकारियों से बातचीत करना भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है। किसी मंत्री के उसके विधानसभा क्षेत्र में निजी यात्रा पर किसी सरकारी अधिकारी द्वारा मिलना भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत सेवा में रहते हुए अमर्यादित आचरण की श्रेणी में आता है और ये काम दंडनात्मक कार्रवाई के योग्य माना जाएगा। मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को अपने साथ निजी दौरे पर और राजपत्रित कर्मचारियों को निजी स्टाफ के रूप में ले जाने की मंजूरी है, लेकिन स्टाफ संबंधी क्षेत्र में कोई भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकेगा। प्रधानमंत्री के चुनाव अभियान में उनके संबोधन से जुड़ी टेलीप्रॉम्प्टर और अन्य व्यवस्था के लिए दूरदर्शन की तरफ से आधिकारिक स्टाफ की तैनाती संभव है। मंत्रियों को उनके चुनाव दौरे के समय गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस या सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम से जुड़े स्थान पर आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि जेड और जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा वाले मंत्रियों और अन्य राजनीतिक व्यक्तियों को यह सुविधा मिल सकेगी। आमतौर पर मुख्यमंत्री या गृह मंत्री की तरफ से सुरक्षा ब्रीफिंग दी जाती है, लेकिन आचार संहिता के दौरान गृह सचिव या मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी। साथ ही अगर पुलिस एजेंसियों या उनके अधिकारियों को बुलाना जरूरी माना गया तो मुख्य सचिव या गृह सचिव उन्हें बुला सकेंगे। 4 अक्टूबर के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता संबंधी ये दिशा निर्देश जारी करके यह सुनिश्चित करने की मंशा है कि ऐन वक्त पर गफलत नहीं हो। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।